काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. भारत आणि पाकिस्तान सीमेवर रोज एक दोन सैनिक मारले जात आहेत. शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत, मात्र भाजप सरकार 900 शहरात 2,200 कोटी रुपये खर्चून 3 वर्ष झाल्याबाबत आपली पाठ थोपटून घेत आहेत, असा हल्लाबोल त्यांनी केला. काँग्रेसच्या काळात जम्मू काश्मीरमध्ये 70% मतदान झालं होतं, मात्र उपमुख्यमंत्री पदासाठी भाजपने काश्मीरच्या जनतेला नरकात ढकलले, याला जबाबदार कोण असा सवाल देखील उपस्थित केलाय. भाजपच्या नेत्यांनी आणि पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याचं आश्वासन दिलं होतं, त्याचं काय झालं असं म्हणत कृषी नीतीवर हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असंही ते म्हणालेत. मुंबईमधील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. तीन साल पूरे हो रहे हैं केंद्र की सरकार के, और मैं समझता हूँ ये पर्याप्त समय है जब देश को, विपक्ष को और आपको भी इस सरकार का मूल्यांकन करना चाहिए. अब से पहले भाजपा हर चीज के लिए कहा करती थी कि 60 साल से कांग्रेस का राज है और पिछली सरकार ने ये नहीं किया, पिछली सरकार ने वो नहीं किया, लेकिन तीन साल का समय पर्याप्त होता है किसी भी सरकार को अपने वादों पर खरा उतरने के लिए. कल बड़ा दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया मध्य प्रदेश का, जहाँ पर प्रदेश की सरकार ने निहत्ते निर्दोष किसानों पर गोली चलाकर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया. मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, देश हो, किसान और कृषि क्षेत्र में जो आज काले बादल छाए हुए हैं उसको समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया. आंतरिक सुरक्षा हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, नक्सलवाद हो, जम्मू कश्मीर के हालात हो, हर जगह स्थिति बदतर होती चली जा रही है. मैं राजस्थान से आता हूँ, लगातार हमारे प्रदेश में तमाम सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्सेस के नौजवान शहीद हो रहे हैं और ये मौत का काला क्रम रुक नहीं रहा.